हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, एनबीएस एग्जाम को लेकर जितने भी स्टूडेंट है ना, वो इतने असमंजस में है कि समझ में नहीं आ रहा है यार, कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना। ना तो पढ़ाई हो पा रही है, ना ही कुछ चीजें हो पा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जो एग्जाम है वो होगा भी या नहीं होगा। हमें बिल्कुल कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो इसी को लेकर ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, और इस वीडियो में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका मैं सॉल्यूशन देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहला तो यही आपका आ रहा है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि एग्जाम डेट ही नहीं मालूम। एनटीए से कुछ सवाल पूछने जाओ तो वो सवाल ही नहीं बताती है, तो ये सारी चीजें। दूसरा, ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तीसरा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करें ही क्या। ठीक है, पेपर होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि एनटीए पर इतने ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। नीट एग्जाम कैंसिल करा दिया, यूजीसी नेट यूजीसी कैंसिल करा दिया। मान के चलो पेपर हो भी गया, तो क्या वो फेयर तरीके से होगा, उसमें धांधली होगी नहीं होगी, इसका भी हमें नहीं पता है। कितने लाख में सीटें बिकेंगी या क्या कुछ होने वाला है, हमें नहीं पता। हो सकता है एनटीए पेपर लेगी तो धांधली हो, ऐसा भी हो सकता है कि एनटीए पर अगर इतने सारे अभी ऑब्जेक्शन लग गए तो लास्ट मोमेंट में इसको चेंज करके दूसरी कंपनी को दिया जाए, तो हो सकता है कि और समय लग जाए उसमें। तो कैसे खुद को यार मोटिवेशन रखें हम, किस कैसे खुद को मोटिवेट रखें, इसी वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ पूरा। ये सारे जो आपके थॉट्स चल रहे हैं आपके मन में, जो भी डाउट्स आपके हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होंगी कि इस साल जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं कब तक यूं ही पढ़ता रहूंगा, या मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, पेपर तो हो ही नहीं रहे, या पेपर इंडिया में जितने भी हो रहे हैं सब लीक हो रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, इस छोड़ दूं, पढ़ाई छोड़ दूं, क्या करूं, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, उन्हीं सारी चीजों का मैं हल इस वीडियो में लेके आया। तो वीडियो को इत्मीनान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ओके, चलिए, तो ये रहेगा, है ना। और ये एनबीएस की सभी पोस्ट के लिए है ना, सभी पोस्ट में सब आ जाती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चीजें होने वाली है, कैसे क्या चीजें चलने वाली है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैंने कुछ आपके यहाँ पर सवाल लिख रखे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए आपके काफी सारे सवाल आते हैं कि सबसे पहले तो कहाँ से पढ़ें। ठीक है, यहाँ से पेन ले लेते हैं, चलो इसी को चलाते हैं। ठीक है, कहाँ से पढ़ें, प्रीवियस ईयर कहाँ से ले पेपर, डेली कितना पढ़ें, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले आपका जो सवाल है कि कहाँ से पढ़ें, लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से पढ़ें, क्या करें। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ, आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये YouTube चैनल है, आप चले गए यहाँ पर। ठीक है, YouTube चैनल पर आप गए, यहाँ पर सर्च बार आता है YouTube पे, यहाँ पर मेरा नाम डाल देना, जो कि ये लिखा हुआ, देखिए द एग्जाम हेल्पर, क्या लिखा है, द एग्जाम हेल्पर, ये डाल देंगे, इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, आप इस प्ले लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, ये प्ले लिस्ट सेक्शन दिख रहा है, होम वीडियो शॉर्ट लाइव, प्ले लिस्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से सिनेरियो हुआ, यहाँ पर एक प्ले लिस्ट दिखेगी आपको, एनबीएस एग्जाम 2024, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से जो आपकी फुल प्लेलिस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी, है ना। यहाँ पर मैंने ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, जैसे कट ऑफ कितनी गई थी, है ना, और आपके कौन कौन से डाउट है कि, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा, ये मैं ऑलरेडी, मेरे मेरे कितने मार्क्स थे, सैलरी कितनी मिलती है, होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। इसी में आपको एक वीडियो मिलेगा बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट टीचर का, और इसके ऊपर एक वीडियो मिलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, दोनों आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला तो क्या पढ़ना है, दूसरा फिर कहाँ से पढ़ना है, तो दोनों आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना, इसके बाद बहुत सारी वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनबीएस में मेडिकल टेस्ट होता है कि नहीं होता, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, है, और इसके अलावा देखिए और भी है, टाइपिंग कैसे होती है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है आपके लिए बनाने की कोशिश की थी और बनाए हुए, तो जाके इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लेना,
ना, और दो वीडियो तो आपको मस्ट देखना ही, मैंने जो बोल दिया कि एग्जाम में क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, पहली बात ये हो गया। दूसरा, ये मेरा सेकंड चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जी, यहाँ सर्च बार में देखिए डला हुआ है द एग्जाम हेल्पर जी के, ये मेरा है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये ओपन हो गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जाएंगे, ये प्लेलिस्ट सेक्शन में फिर से आप जाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको दिख रहा है, देखिए ये आपकी एनबीएस हिंदी की, एनबीएस इंग्लिश की, एनबीएस कंप्यूटर की, एनबीएस एग्जाम की ढेर सारी प्लेलिस्ट, जिसमें दो वीडियोस में, 9 वीडियो, 12 4 वीडियोस में, इसके अलावा ईएमआरएस के लिए मैंने चीजें चलाई थी उसके लिए भी वीडियो यहाँ पर डले हुए। ये सारे वीडियोज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। एक एक वीडियो बहुत सेलेक्टिव बनाया गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी एज एनबीएस में सिलेक्शन ले चुका हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इतने सारे वीडियोज आपके डले हुए हैं, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर करिए। ये प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन करा रखा था मैंने, नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लिया। तो दोनों ही चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, जाके एक बार चेकआउट कर ले, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया, कहाँ से पढ़ें, इसका मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि भाई कहाँ से पढ़ना है आपको, ठीक है, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। अब देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे मिलेगा, इससे क्या हेल्प होगी, वो भी बता देता हूँ। तो चलिए, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम अगर मोबाइल में नहीं है तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने से क्या होगा, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा, वहां पर सर्च बार आएगा, सर्च बार में मेरा नाम डाल देना द एग्जाम हेल्पर, ओके। इसी तरीके से एक और चैनल है मेरा, बस लास्ट में आपको क्या लगा देना है, द एग्जाम हेल्पर जीके, ओके, ये लगा देंगे तो उस पर भी बहुत सारी पीडीएफ वगैरह मैंने डाल रखी है। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी यहाँ पर मैंने ढेर सारी चीजें डाली है ना, अभी आपके लिए डाली क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और आपके लिए चीजें सारी करनी थी, तो मैंने अभी क्या करा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर डाली, ठीक है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने चीज डाउनलोड अभी डालना स्टार्ट किया, जो कि आपको दिख रही होंगी। देखिए यहाँ से एक तो ये आपका एनबीएस लेवल असिस्टेंट का जो पेपर था, पूरा पेपर डाल दिया 2022 का। इसके अलावा ऑडिट असिस्टेंट का पूरा पेपर है, एएसओ का पूरा पेपर है ना। इसके अलावा एक एनबीएस डिटेल्ड सिलेबस, एनबीएस की सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख लेना कि एनबीएस पूछता क्या है ना। लास्ट मोमेंट पर अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई मन लगा, तो इसको देख के और अपना है ना, इस वीडियो को देख के क्या करना, आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, और फिर डे बाय डे क्या करना है आपको, डे बाय डे आपको वन वन टॉपिक उठाना है, और एक दिन में दो को टॉपिक उठा लिए, एक दिन में एक टॉपिक उठा लिए, और उसको कवर करते हुए चलना, ठीक है। तो इस यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, देखिए मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से चीजें दिखती हैं, ठीक है। यहाँ से जाएंगे और इस डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये चीज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा तब तक डाउनलोड हो रहा है, नीचे देखिए एनबीएस जेएसए का पूरा पेपर है, एलडीसी की 2019 की ऑल शिफ्ट है, ये 22 का है, ठीक है, एनबीएस जेएसए का, जेएसए एलडीसी था, ठीक है। इसके अलावा एमटीएस का पूरा पेपर डला हुआ है, ठीक है। देखिए अब ये डाउनलोड हो गया, तो मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या है डिटेल सिलेबस में, इस तरीके से ओपन करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने पूरा डिटेल सिलेबस डाल रखा है ना, किस तरीके से चीजें कितने कितने मार्क्स की पूछी जाएंगी। और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, देखिए ये बिल्कुल भाई 3 साल का जो होता है ना निचोड़ पूरा बता दिया मैथ्स में, ठीक है। यहाँ जरूर जीएसए लिखा है, बट सभी पोस्ट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना सभी पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने है ना, 17 में कितने पूछे गए, 19 में, 22 में, पूरे डिटेल वाइज बता रखा है। इसी तरीके से रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश का है, इसी तरीके से आपका हिंदी का है ना, और इसी तरीके से आपका किसका है, कंप्यूटर का है, इसी तरीके से आपका देखेंगे तो जीके का है। जीके में देखिए पूरा डिटेल में बता रखा है, डिटेल में बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस है ना। तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। ये आधा काम तो यही कर देगा आपका कि पढ़ना क्या क्या। भाई भाई इस सिलेबस को बनाने में ना मुझे 4 दिन लग गए थे, क्योंकि तो भाई पूरा देखना, 17 के पेपर, 19 के पेपर, 22 के पेपर, पूरा डिटेल में बनाया, पूरा एक एक पेपर, एक एक मतलब क्वेश्चंस पहले तो देखना कि मैं उसमें चैप्टर कितने पूछे, किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए, पूरा बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो एक बार इसको चेकआउट कर लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको यहाँ पे दिख ही रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये एक चीज हो रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक है, कि लास्ट 30 डेज की मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी प्लान डाल रखा है, कि अभी मान के चलिए लास्ट 30 डेज है तो किस तरीके से आप पढ़ना। अब मैं लास्ट 30 डेज क्यों बोल रहा हूँ, चलिए बता देता हूँ। देखिए अभी कोई अता पता नहीं है, और अगर एग्जाम डेट आती भी है तो सबसे पहले एक एग्जाम डेट का आपका नोटिस आएगा, ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में नोटिस आएगा कि फलाने फलाने डेट को आपका एग्जाम है। उसके बाद 10 से 15 दिन पहले क्या होगा, आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये
ये इसमें लगभग आपके 20 से 25 दिन आराम से इस टाइम पीरियड मिल जाएगा। अभी हो रही है आपकी 26 जून, ठीक है, 26 जून हो रही है अभी आपकी, तो अच्छा खासा टाइम मिलता है। मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ कि आपको क्या टारगेट लेकर आपकी तैयारी करनी चाहिए। तो 1 अगस्त को टारगेट लेकर अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपको निश्चित सफलता मिलने वाली है। और अगर आप ये सोचेंगे कि पता नहीं एग्जाम कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। एक डेट तो आपको टारगेट लेना पड़ेगी, और मैं आपको टारगेट देता हूँ कि 1 अगस्त को टारगेट पकड़ के चलिए। देखिए, एग्जाम हो नहीं हो अलग बात है, आपको टारगेट के करना है 1 अगस्त को टारगेट ना, कि आप मान के चलो 1 अगस्त को ही एग्जाम है बस। ये अगर आपने आप बोलते ना मोटिवेट कैसे रखें, यही है मोटिवेशन। 1 अगस्त को अब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है 1 अगस्त को होगा नहीं होगा वो, है ना, पर इतनी श्योरिटी है कि 1 अगस्त तक आपके मतलब इतना टाइम है आपके पास। तो बिल्कुल मोटिवेशन रखने के लिए आप ये मान के चलिए, लिख लीजिए दीवार पे कि 1 अगस्त को मेरा एनपीएस का एग्जाम है। अब इससे होगा क्या, इससे आपको 30 डेज का एक बूस्टअप बूस्ट मिलेगा, यानी कि 30 डेज के लिए आप मोटिवेट हो जाओगे कि नहीं 1 अगस्त को मेरा एग्जाम है और मुझे पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, ये पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ये भी बता दिया, पेपर दे दिए सारा सारा कुछ दे दिया कंटेंट। तो इस डेट को क्या करना है आपको, टारगेट कर लेना है। क्या टारगेट करना है दोस्तों, 1 अगस्त को टारगेट करके पढ़ाई करोगे तो आप जो अभी अभी तो ऐसा होता है कि डेट आएगी तब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ रहा है, मन नहीं कर रहा, पेपर होगा नहीं होगा, नहीं नहीं भाई, मैंने टारगेट दे दिया 1 अगस्त को पकड़ लो, 1 अगस्त को एग्जाम है, उसके बाद हो या ना हो वो अलग बात है, पर जैसे ही आप इसको पकड़ लोगे तो आपको एक टारगेट मिलेगा। टारगेट मिलेगा आपको पढ़ने की इच्छा होगी, पढ़ने की इच्छा होगी तो आप चीजों को सीखेंगे, पढ़ेंगे, और आपका जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए जाएंगे। समझे क्या करना है, 1 अगस्त को टारगेट कर लेना, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखे थे, मैं फिर से टॉपिक्स पर वापस आ जाता हूँ कि क्या क्या मेरे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो हमने इसमें से क्या क्या चीजें कर ली, कहाँ से पढ़े ये बता दिया, प्रीवियस ईयर पेपर बता दिए, है ना, और डेली कितना पढ़े स्ट्रेटजी मैं वही बताने वाला था, ओके, है ना। सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता चुका हूँ वो वाला वीडियो, है ना। इसके अलावा मॉक टेस्ट और डेली कितना पढ़े, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। डेली कितना पढ़ना है ये एक इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बताएंगे ना कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, या आपने 10 दिन पहले जो पढ़ा और 10 दिन के बाद आपके जो मार्क्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है, किस तरीके से चीजें पता चलेंगी वहां पर, एग्जाम क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, वो आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा, है ना। तो दोनों चीजें देख लेते हैं कि डेली कितना पढ़ना है और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, कौन से लगाना है। चलिए चलते हैं फिर इसकी ओर। तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर फिर से हम वापिस जाएंगे और आपको चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। सब कुछ टेलीग्राम पर है, आपको कोई इधर उधर नहीं भटकना, सारी चीजें यहाँ डाल दी ऊपर ही, और दोनों मेरे चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये है लास्ट 30 डेज का प्लान, तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस 30 डेज के प्लान में, ओके। चलिए देखिए, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ आपके लिए दोबारा से, भाई मेरी फाइल में डाउनलोड है, मैं फिर भी डाउनलोड करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, है ना, जिससे आपको पता चलेगा इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है और ये फाइनली डाउनलोड हो चुका है ना, इसको एडिटिंग मोड पर ओपन कर देते हैं, देखिए, है ना, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकंड रुके, दो द्वारा ओपन करते हैं इसको, ठीक है, ओपन हो गया, ओके, ये हो गया। अब देखिए ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, एनबीएस लास्ट 30 डेज स्टडी प्लान, 26 जून से भी, अगर 26 अगस्त भी तक भी, 27 जून से मान लो, 27 जून से आप 27 अगस्त तक भी करोगे तो भी आपके लिए वैलिड है, 27 जुलाई, सॉरी जुलाई तक, क्योंकि 1 अगस्त को एग्जाम, और 2-3 दिन में मान लो कि आप बीच में गप्पा मार देंगे, गोल कर देंगे, है ना, या छुट्टी मार लेंगे जो भी है। बट मैं वो क्या बोल रहा हूँ फिर, 1 अगस्त अपने दीवार पर चिपका लो, जहां पर पढ़ते हो वहां चिपका लो, एनबीएस का एग्जाम है। कौन बोल रहा है नहीं पता, मेरे अंदर से आवाज आई है कि 1 अगस्त को एग्जाम है, टार चिपका लो, क्योंकि अगर नहीं चिपकाओगे ना तो जो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, निरंतर लाइब्रेरी में बैठे हुए, निरंतर पढ़ रहे हैं, वो इस बात की चिंता नहीं है ना कि एग्जाम होगा नहीं होगा, बस वो पढ़े जा रहे हैं। क्यों भाई, इसका एग्जाम नहीं हुआ, कैंसिल हुआ, तो दूसरे भी तो एग्जाम है, उसमें काम आएगी चीज, पढ़ी लिखी हुई चीज कभी बेकार तो जाएगी नहीं, काम आएगी। पर आपको चाहिए मोटिवेशन, तो ये 1 अगस्त चिपका लो, टारगेट मान लो, 1 अगस्त को एग्जाम हो पढ़ लो, ठीक है। अब देखिए पोस्ट वाइज स्ट्रेटेजी बता रखी है, जितनी पोस्ट लिखी है सबके लिए, नीचे चलते हैं, नीचे क्या लिख रखा है मैंने, देखिए, है ना, नीचे क्या लिख रखा है, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे का है, इस तरीके से पढ़ना, मैंने चीजें बता रखी है, ठीक है। देखिए जैसे की बात करें,
यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है कितने का, मार्क्स दे रखे कितने के, ठीक है। हिंदी 15, इंग्लिश 15, जीए प्लस सीए यानी कि करंट अफेयर 30 मार्क्स, कंप्यूटर 30 मार्क्स का, 60, 30, 90, 90 के बाद 20 20 मार्क्स के यानी कि 40, तो कितना हो गया आपका 130 मार्क्स हो गए। ओके, कितना कितना पढ़ना है टाइम मैंने यहाँ पर दे रखा है, डेली पढ़ना है बस, 30 दिन कंटिन्यूअसली पढ़ लो, सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। बट पढ़ना कहाँ, सिलेबस क्या है, ये टॉपिक्स है, सिलेबस मैंने डाल दिया टेलीग्राम पर, ठीक है। सिलेबस कितने कितने सेक्शन से, बस वो सिलेबस देखो, ये पढ़ो, 1 घंटा ग्रामर 30 मिनट बुक, 1 घंटा ग्रामर 30 मिनट बुक, बेस्ट बुक वगैरह कहाँ से पता चलेंगी वो भी मैंने बता रखा है, ये यूट्यूब चैनल पर बताया ना बेस्ट बुक कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से पढ़ना है ना। जीए कैसे पढ़ना है, 2 घंटे जीए पढ़ो, 1 घंटा डेली करंट अफेयर पढ़ो, कंप्यूटर डेली 1 घंटा पढ़ो, मैथ्स डेली 2 घंटा करो, रीजनिंग डेली 1 घंटा करो, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई 10, 10 आवर डेली के 30 डेज तक अगर दोगे डेफिनेटली आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा क्या करना है, देखिए अल्टरनेट डेज पे या डेली, ये डेली तो मत कीजिए क्योंकि हमें एग्जाम डेट मालूम नहीं है। आप अगर ये 4 दिन या 5 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, उससे होगा क्या, आपने 4 दिन पहले क्या पढ़ा और 4 दिन बाद आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट है। पहले आपके पहला मॉक दिया बिना पढ़े, आपके मान के चलिए 130 में से 70 मार्क्स आए, फिर आपने 10 दिन बाद दिया, 5 दिन बाद दिया, 1 हफ्ते बाद दिया, और आपके मार्क्स 70 की 70 है, तो मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, यानी कि इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और आपके मार्क्स 80 हो गए यानी कि इंप्रूवमेंट है, आप जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। फिर आपने 5 दिन बाद 7 दिन बाद एग्जाम दिया, फिर आपके मार्क्स हुए 90 यानी कि बिल्कुल आप सही है, और अगर 80 से घट के वो 75 हो गए यानी कि आप गलत डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, पीडीएफ मैंने वहां पर डाल दिए है ना, वहां से जाके आप देख सकते हैं इस चीज को कि क्या पढ़ना। देखिए नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे सभी पोस्ट के लिए देखिए अलग अलग बना रखा है, एमडीएस को कितना पढ़ना है, एएसओ को कितना पढ़ना है, स्टाफ नर्स को कितना पढ़ना है, स्टेनोग्राफर को, ऑडिट असिस्टेंट, पूरा डिटेल में बना के रखा है ना, पूरा कोई कहीं पर भटकना नहीं है कि क्या करना है क्या करना है, सारा आपको मिल जाएगा है ना। कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ डला हुआ है, सारी चीजें डली हुई है ना, क्या पढ़ना है, टॉपिक्स कितने समय पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ना है ना, कहाँ से पढ़ना है, तो बस ये देख लो भाई मैंने बताया ना, ये यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और बेस्ट बुक्स इन बेस्ट टीचर, यहाँ से देख लो, समझे क्या, समझे भाई, चीजें हो गई क्लियर। देखो मैं फिर से आपसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए ये हो गया कहाँ से पढ़ा, प्रीवियस ईयर पेपर बता दिए मैंने, डेली कितना पढ़ना है ये बता दिए, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बचा हुआ, सिलेबस भी इंपॉर्टेंट रहती है, मॉक टेस्ट और देख लो भाई कि किसके परचेज करें कहाँ से करें, तो यहीं फिर से टेलीग्राम पे आना, सब टेलीग्राम पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट आपको परचेज करना, किसके, टेस्ट बुक के, ओके। यहाँ पर मेरा कूपन कोड डाल देंगे B1N W47, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, जो भी प्राइस होगी उससे 50 60 रुपये 70 रुपये तक कम हो सकता है। अभी देखिए कल से इसकी सेल चालू होगी 27 से 30 जून तक, जीत की शुरुआत टेस्ट बुक के साथ, और आपको पास प्रो लेना है जिसमें क्या होगा आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी हो जाएंगे। अभी इन्होंने प्राइस नहीं बताई है ना, पर प्राइस कम रहेगी क्योंकि मेगा सेल है, फर्स्ट मेगा सेल होने वाली है ना, तो जरूर परचेस कर लेना, जाके फटाक से कर लेना परचेस है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आपको एनवीएस के पेपर मिलेंगे, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम चल रहे हैं ना, जितने भी एग्जाम यहाँ पर मैंने जितने लिख रखे हैं ना, सारे आपको एक पास के अंदर मिल जाएंगे। जैसे अभी एमटीएस का पेपर आने वाला है, सीसीएल का, आरआरबीपीयू, बैंक क्लर्क, बैंक ऐसा सीरियल, जितने भी एग्जाम है ना सभी के एक पास में मिल जाएंगे। लिंक ये है टेलीग्राम पर से, ये डाउट डायरेक्ट एनवीएस के प्लेलिस्ट प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लैपटॉप पे या विंडोज पर खोलेंगे तो डायरेक्ट टेस्ट बुक डालना, वहां पर ओपन हो जाएगा, बस परचेस करने जाओ तो कुछ नहीं, ये वाला मेरा कूपन कोड डाल देना, डिस्काउंट मिल जाएगा, डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना, समझे। आई होप आप समझ रहे हो चीज़ों को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सारी चीज़ें टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जाके ज्वाइन कर लो है ना। चलिए इसके बाद अपना क्या बचता है, मॉक टेस्ट भी हो गया, सिलेबस भी हो गया, डेली कितना ये सब हो गया। अब बात करते हैं, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता ना, इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट है तो क्या करना, कमेंट करना, कहाँ करोगे, नीचे करो इसी वीडियो के, समझे। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर पूरी देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अब ये मत पूछना कोई भाई कि डेट कब है, कब एग्जाम होगा, ये मत पूछना, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद जैसे ही आप जो भी कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और सटीक आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, ओके। तो जल्दी जाइए टेलीग्राम यूट्यूब चैनल दोनों को, और टेलीग्राम दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, सारा कुछ कंटेंट आपके लिए डाल दिया, ओके। और यही था दोस्तों इस वीडियो में कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप लोग बार बार बोल रहे थे कि कैसे क्या चीज़ों को मैनेज करें, तो फाइनली मैंने आपके लिए ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पूरी करने की कोशिश की। तो आई होप अब आपको एक जो है टारगेट मिल चुका होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, डेट का क्या करें, भाड़ में जान दो डेट में, आप तो इसको पकड़ो,
ठीक है, इसको पकड़ो और पढ़ाई तैयारी स्टार्ट कर दो। कंटेंट फंटेंट सब मैंने आपको दे दिया, इसको पकड़ो और लग जाओ तैयारी में। यही है आपकी एग्जाम डेट है। इसको हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो और भी ज्यादा ठीक। बोलो क्यों, बोलो क्यों भाई, इतना तो टाइम मिलेगा, ये गारंटी है, इससे ऊपर भी मिल सकता है। देखो इसको हुआ तो ठीक, क्यों, पढ़ तो हम रही थे, नहीं हुआ तो और ज्यादा ठीक, क्यों, क्योंकि हम इसको टारगेट करते हुए पढ़ रहे थे ना, तो लगभग हम 90% तो पढ़ चुके ऑलरेडी। और इसके बाद भी 15 दिनों अगर मिल जाते हैं तो सोचो 90 पढ़ सके, 15 दिन में और 10% 100% कर देंगे भाई, समझे, कि हमने इसको टारगेट कर लिया, यहाँ तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की, कर दिया हमने, या 90% तक कर लिया, इसके बाद 10-15 दिन और मिल गए भाई, अपने लिए बेस्ट है ना। अगर तुम पढ़ ही नहीं रहे हो तो यहाँ तक क्या, यहाँ तक भी डले रहोगे 60-70% पे, सिलेक्शन हुआ नहीं, सिलेक्शन 90% सिलेबस अगर आप नहीं करते तब तक नहीं होने वाला। तो हो गया 1 अगस्त को तो ठीक, नहीं हुआ तो उससे भी ज्यादा ठीक, क्योंकि तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, समझे। तो जिस जिसने वीडियो देखी होगी उसका भला होने वाला है, नहीं देखेगा तो जाके सो जाइए और भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आई होप, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करने की कोशिश कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में जरूर शेयर करने की कोशिश कर लेना, और एक अच्छा सा कमेंट करो, और डाउट अगर है तो उसका भी कमेंट करिए, स्वागत है आपकी कमेंट का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।